बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन चैत्र मास त्योहारों का आखिरी मास माना जाता है। नवरात्रों के तीसरे दिन यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तीज को गणगौर माता यानी कि माँ पार्वती की पूजा की जाती है। पार्वती के अवतार के रूप में गणगौर माता व भगवान श्री शंकर के अवतार के रूप में ईश्वर जी की पूजा की जाती है। प्राचीन समय में पार्वती ने शंकर भगवान को पति के रूप में पाने के लिए व्रत और तपस्या की थी। शंकर भगवान तपस्या से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। पार्वती ने उन्हें वर के रूप में पाने की इच्छा जाहिर की। पार्वती की मनोकामना पूरी हुई और उनसे शादी हो गई। बस उसी दिन से कुंवारी लड़कियां उचित वर पाने के लिए ईश्वर और गणगौर की पूजा करती है। सुहागन श्री पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती है। गणगौर की पूजा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से आरंभ की जाती है। 16 दिन तक सुबह जल्दी उठकर बाड़ी बगीचे में जाती है, धूप व फूल लेकर आती है। धूप लेकर घर आती है और धूप से चुदूत के छाटे मिट्टी की बनी हुई गणगौर माता को देती है। थाली में दही, पानी, सुपारी और चांदी का छल्ला आदि सामग्री से गणगौर माता की पूजा की जाती है। 8वें दिन ईश्वर जी की पत्नी के साथ ससुराल पधारते हैं। उस दिन सभी लड़कियां कुम्हार के आ जाती है और वहाँ से मिट्टी की झावली मतलब बर्तन और गणगौर की मूर्ति बनाने के लिए कुछ मिट्टी लेकर आती है। उस मिट्टी से ईश्वर जी, गणगौर माता, मालन आदि की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती है। जहाँ पूजा की जाती है उस स्थान का गणगौर का पीहर व जहाँ विसर्जित की जाती है वह स्थान ससुराल माना जाता है। गणगौर माता के पूरे राजस्थान में पूजा की जाती है। आज यानी कि चैत्र मास की तीज सुदी को गणगौर माता का चूरमे को भोग लगाया जाता है। दोपहर बाद गणगौर माता को ससुराल विदा किया जाता है यानी कि विसर्जित किया जाता है। विसर्जन का स्थान गांव का कुआं, जोहर, तालाब होता है। कुछ स्त्री जो शादीशुदा होती है वो अगर इस व्रत का पालना करने से निर्वती होना चाहती है तो इसका अजूना करती है मतलब उजवना करती है और उद्यापन करती है, जिसमें 16 सुहागन स्त्री को समस्त 16 श्रृंगार की वस्तुएँ देकर भोजन करवाती है। गणगौर माता की पूरे राजस्थान में जगह जगह सवारी निकाली जाती है, जिसमें ईश्वरदास जी व गणगौर माता जी की आदमकद की मूर्तियां होती है। उदयपुर की धींगा गणगौर, बीकानेर की चांदमल, डड्ढा की गणगौर प्रसिद्ध है। राजस्थानी में कहावत है, तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थ है कि सावन की तीज त्योहारों का आगमन शुरू होता है और गणगौर के विसर्जन के साथ त्योहारों पर 4 महीने का विराम लग जाता है। आप सभी को तीज की शुभकामनाएं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। सोल पूजे सरस्वती, ईसर पूजे पार्वती। पार्वती का आला गेला गोर का सोने का टीका। टीका दे तमका दे रानी, भरत करे गौरा दे रानी। करता करता आसायो मासायो, खेले खांडे लाडू लायो। लाडू ने बीरा ने दियो, बीरा ने मने साड़ी दीनी। साड़ी ने सिंगोड़ा, बाड़ी में बिजोड़ा। सन मन सोड़ा सात कचोड़ा। रानिया पूजे राज में, मैं माँ का सुहाग ने। राणियों का राज बढ़तो जाए, माँ को सुहाग बढ़तो जाए। कीड़ी कीड़ी कीड़ो ले, कीड़ी तारी जात है। जात पड़े गुजरात है, गुजरात तारो पानी आयो। दे दे खम्मा घानी आयो, आका फूल कमल की डोरी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह।